तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो यामा RX100 के ऊपर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो क्लच केबल है वो खराब हो चुका है और आज हम लोग इसमें एक क्लच केबल इंस्टॉल करने वाले हैं। वहाँ पे मनोज भाई है। मनोज भाई अपना क्लच केबल खोल के उसमें ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं इसे फ्रिक्शन फ्री केबल है, मतलब बहुत से टाइप के आते हैं। तो अभी देख सकते हो आप लोग, ये जो केबल है मेरा ये खराब हो चुका है। इसमें इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने अभी इसका जो क्लच का लीवर होता है ये सब चेंज किया था, तो अभी ये वाले वीडियो में इसका क्लच केबल चेंज करने वाले हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है और मनोज भाई केबल के साथ कुछ तो कर रहे हैं। अभी वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे। इसको लगाने के लिए इसका ये जो पैनल है, ये मतलब इसका जो कवर है ये खोलना पड़ता है। इसको पूरा खोलने के बाद इसके अंदर क्लच केबल अपना लगता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो क्या देख सकते हो, अभी मनोज भाई अपने आ गए और यहाँ पे इसका केबल जो है वो इसके ये जो अपना कवर है ये खोल के इसमें इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये केबल रखा हुआ है, और बहुत दिनों से चेंज नहीं किया था तो मैंने सोचा एक बार चेंज करा देते इसको। तो क्या देख सकते हो, अभी अपने मनोज भाई ये जो अपना गियर शिफ्टर होता है इसको निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद ये अपना पैनल खोलेंगे, पैनल ये कवर खोलेंगे। कवर खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद हम लोग इसमें क्लच केबल इंस्टॉल करेंगे। और इसको क्लच केबल ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया भाई, इतना ज़्यादा हार्ड है कि दबाने को भी बहुत तकलीफ होता है। मनोज भाई कितने दिन पे चेंज करना रहता है क्लच केबल? हाँ वही, मतलब चलने के ऊपर है उसको, असल में गाड़ी भी खड़ा रखता हूँ ना। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे ये अपना क्लच का जो कवर होता है ये खुल चुका है, और यहाँ का ये भी देख सकते हो कि यहाँ से पूरा चेंज होएगा। तो बहुत दिन, ये कितने दिन बाद इतना गंदा होता है, ये पूरा इसका कचरा वचरा सब घुस गया रहेगा। यहाँ से भी खुल गया हो, देख सकते हो गाइस, ये वाला अपना जो पुराना केबल है वो यहाँ पे निकल चुका है। इसका जो हालत है वो देख सकते हो, पूरा ये पूरा खराब हो चुका था, खराब हो गया। तो फेंक दो ना इसको, तो इसको रख के क्या करेंगे। और यहाँ पे अपने नया जो क्लच केबल है वो मनोज भाई इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। अभी इसको थोड़ा साफ भी कर देते यार, पूरा गंदा हो गया ये, देख सकते हो गाइस कितना कचरा है यहाँ पे, सारा इसमें गिर गया। गाइस देख सकते हो ये वाला जो पिन है यहाँ पे अटैच हो गया अपना, और यहाँ पे अभी ऊपर का काम होएगा। यहाँ पे इसको फिटिंग का काम चालू हो गया, यहाँ पे फिट भी कर देते हैं इसको। और इसको फिट करने के बाद ऊपर से भी सेटिंग होएगा, और ये जो कवर है ये मतलब खोल के भी सेटिंग कर देंगे। ये वाला जो कवर है इसको भी खोल के सेटिंग कर देंगे अच्छे से। मैं देख सकते हो गाइस अभी यहाँ पे पूरा अपना असेंबल हो गया, मतलब इसको जो खोला था कवर, ये पूरा कवर मनोज भाई ने सेट कर दिया है। अभी इसका सेटिंग जो है वो कर देंगे, और सेटिंग करने के बाद क्लच वर्किंग का काम, जो क्लच अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रहा था वो अच्छे से करने लगेगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब नया क्लच केबल डालने का मजा है। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, यहाँ से भी एकदम फ्री प्ले आता है, मतलब बोलते हैं ना कि एक कोई भी तरह का मतलब अटकता नहीं है कहीं भी, और गियर शिफ्टिंग में भी इशू नहीं होता, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये वाला भी अपना जो है ये भी खुल गया है कवर। अभी इसमें से सेटिंग होता है, यहाँ पे इसका एक सेटिंग होता है क्लच का, केबल का जो सेटिंग होता है। यहाँ पे रॉड, अंदर जो रॉड रहती है वो रॉड का ये सेटिंग है। इसको अभी कर देंगे और इसके बाद अपना काम हो जाएगा डन। देख सकते हो अभी अपना यहाँ पे जो सेटिंग था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे वापस से वो कवर लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है एकदम डन, और देख सकते हो यहाँ पे अपना जो नया वाला क्लच केबल था वो इंस्टॉल कर दिया है इसमें मनोज भाई ने। अभी इसको चला के भी देख लेते एक बार कि एक क्या वर्किंग, मतलब कैसा है इसका वर्किंग, वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ग्राउंड मार के
गाइस फाइनली बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है इसका जो क्लच का केबल चेंज किया, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो क्लच केबल के ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।